हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेवलपर 2.0। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संजय दे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से आप प्ले कंसोल में आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जो मेकोएड से बना हुआ होगा या फिर एपी बिल्डर से बना हुआ होगा या फिर थंगवेल से बना हुआ होगा, तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप कैसे आराम से बिना रिजेक्शन के, बिना गलती के पब्लिश कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सारा गाइडलाइन क्या है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये मेरा वेबसाइट है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो मैं अपने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछिए, क्योंकि अभी मैं अपना वेबसाइट में जो जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उन लोगों को ही जवाब दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत लोग पूछे थे पीडीएफ ऐप प्रॉब्लम, पीडीएफ AIA रिजेक्ट हो गया है प्ले कंसोल से। तो आज मैं ये पीडीएफ वाला AIA जो मैं आप लोगों को दिया था वही आज मैं आप लोगों को पब्लिश करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को ये पब्लिश करना है एंड क्या आप लोग गलती कर रहे हैं। इस वीडियो से मालूम पड़ेगा कि क्या क्या आप लोग गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना प्ले कंसोल अकाउंट ओपन करता हूँ। तो ये मेरा प्ले कंसोल अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्रिएट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का टाइटल देना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो टाइटल देने वाले हो वो कोई और एप्लीकेशन से मैच ना करें। तो मान लीजिए मैं अभी अपना एप्लीकेशन का टाइटल दे रहा हूं माई बुक्स, ये मैंने टाइटल दे दिया। अभी मैं इस पे क्रिएट करूंगा। तो हो गया, अभी यहाँ पे आप लोगों को देना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो एक रिजेक्शन होता है मेटा डेटा पॉलिसी वायोलेशन रिजेक्शन। तो ये वाला रिजेक्शन बहुत लोगों को आता है, मेटा डेटा वायोलेशन पॉलिसी रिजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी अदर एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, पीडीएफ हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इस तरह के एप्लीकेशन का नाम आप यूज नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप व्हाट्सएप का नाम यूज करते हैं या फिर यूट्यूब का नाम यूज करते हैं या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन का नाम यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वो पब्लिश नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन जो देंगे उसमें कोई अदर एप्लीकेशन का नाम ना रहे। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी सेक्सुअलिटी कंटेंट का वर्ड ना रहे, जैसे कि सेक्सी वर्ड, प्रॉन वर्ड, ये सब वर्ड ना रहे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हूँ यहाँ पे। तो जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा उसका मैक्सिमम लेंथ चाहिए 80। तो अभी देखता हूँ, मैंने तो इधर से डिस्क्रिप्शन अभी 80 से बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहां से यहां तक ही रखते हैं बस। एंड अभी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में पूरा चीज डाल दूंगा यहां से, जितना भी ज्यादा चीज है। कंट्रोल सी, कंट्रोल डी। और एक और चीज आप लोगों को बोल दूं, सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन का जो वायलेशन होता है, मेटा डिटेल्स का वायलेशन, उसमें सिर्फ आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल या फिर फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर ही नहीं होता। अगर आप कोई भी कॉपीराइटेड आइकॉन यूज करते हैं या फिर कोई भी बैनर यूज करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट यूज करते हैं जिसमें वाटरमार्क हो या फिर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट हो, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट होगा, बैनर होगा एंड आइकॉन होगा, आप लोग खुद बनाइए, कोई भी वेबसाइट से कॉपी करके मत यूज कीजिए। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या डालना होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे स्क्रीनशॉट डालना होगा, तो मेरा ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सिंपल, मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट को एडिट नहीं किया, जैसा था वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरा डेस्कटॉप पे है स्क्रीनशॉट, डेस्कटॉप, माय बुक्स। तो मेरा टोटल 5 स्क्रीनशॉट्स है, मिनिमम आपको 4 स्क्रीनशॉट डालना होगा। तो अभी इसको ओपन। तो चलिए, मेरा सारा स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया। एंड अभी यहाँ पे देखिए, आपको आइकॉन अपलोड करना होगा एंड आइकॉन का साइज देखिए 512x512 पिक्सल का आइकॉन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये साइज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी साइज का ही आइकॉन बनेगा, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग पब्लिश करते हैं। तो मैं आइकॉन डाल दिया एंड अभी बैनर डालूंगा। बैनर का साइज देख लीजिए क्या है, इस साइज का मुझे बैनर डालना है 1024x500। तो मेरा बैनर भी है जो सब कुछ जो आप लोग देख रहे हैं, सिंपल पेंट से बना हुआ है, कोई वेबसाइट से कॉपी नहीं है।
अगर आप कॉपी करते हैं तो भी वाटर मार्क के बिना ही कॉपी कीजिएगा। एंड वो वाला जो वाला आइकॉन आप यूज करेंगे या फिर बैनर यूज करेंगे वो बाकी कोई भी एप्लीकेशन में यूज ना हो ऐसे आप यूज कीजिएगा। एंड अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, तो एप्लीकेशन टाइप हो गया मेरा एप्लीकेशन। अभी कैटेगरी में इधर मैं सिलेक्ट करूंगा बुक्स एंड रेफरेंस, हो गया बुक्स एंड रेफरेंस मेरा कैटेगरी। अभी कंटेंट रेटिंग, तो कंटेंट रेटिंग से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एप्लीकेशन को अपलोड करना होगा, तो वो अभी स्किप कर देता हूँ। तो अभी आप लोगों को इधर आपका ईमेल आईडी देना है, तो अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ संजय दी डेवलपर 2.0@gmail.com। तो ये हो गया मेरा ईमेल आईडी। एंड फोन नंबर आपको देना नहीं है, जो स्टार मार्क है वो आप फिलअप कीजिएगा मस्ट। एंड अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का URL देना है, तो एक प्लेन जा रहा है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ, नहीं तो साउंड होगा बहुत। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का URL डालना होगा। आप चाहे तो आपका खुद का होस्टिंग साइट लेके उसके अंदर एक HTML फाइल का प्राइवेसी पॉलिसी अपलोड कर सकते हैं बना के, या फिर कोई भी वर्ड फाइल के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी अपलोड करके उसको ड्राइव में अपलोड करके ड्राइव का लिंक भी दे सकते हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका मैं जो यूज करता हूँ मेरा मैक्सिमम ऐप में वो है ऐप गाइजर का प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैं आप लोगों को बोल दूं ऐप गाइजर बोल के जो वेबसाइट है एपी गाइजर, एप्स गाइजर प्राइवेसी पॉलिसी बोल के आप सर्च कीजिए एंटर। तो एप्स गाइजर एक ऐसा वेबसाइट है जिसके अंदर जो है आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड एप गाइजर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का URL प्रोवाइड करता है। जो लोग एप गाइजर से एप्लीकेशन बनाते हैं वो लोग इसी प्राइवेसी पॉलिसी URL का यूज करता है। एंड एप गाइजर इसका परमिशन भी देता है कि आप उसका प्राइवेसी पॉलिसी का URL यूज कर सकते हैं। एंड ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL है यूनिवर्सल प्राइवेसी पॉलिसी का URL है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी भी यूज कर सकते हैं, टर्म्स एंड सर्विस यूज कर सकते हैं। इधर से आप सिंपल इसको ओपन कर लीजिए एप गाइजर प्राइवेसी पॉलिसी। एंड ये वाला लिंक को सिंपल आप कॉपी करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी एप्लीकेशन का नेम नहीं है, ये यूनिवर्सल एक प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप ये वाला प्राइवेसी पॉलिसी का URL भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, अभी इसको सेव डाल। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टोर लिसनिंग तो फिलअप कर लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऐप रिलीज पे। अभी रैप रिलीज पे हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोडक्शन में मैनेज प्रोडक्शन, एंड अभी क्रिएट रिलीज यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ऐप साइन इन बाय गूगल प्ले, तो यहाँ पे कभी भी रिफ्यूज मत कीजिएगा, आप कंटिन्यू यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, हमेशा कंटिन्यू प्रेस कीजिएगा। एंड अभी देखिए यहाँ पे अभी मेरे अपना जो APK है वो फाइल अपलोड करना है, तो इधर मेरा PDF फाइल के APK है, जो PDF वाला AI है मैंने बनाया था वही AI है, तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल अपलोड कर दिया। देखिए यहाँ पे वर्जन कोड भी आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट इज द न्यू, तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फर्स्ट रिलीज लिख देता हूँ इसको रिमूव करके, फर्स्ट रिलीज। फर्स्ट रिलीज अभी इसको सेव, तो अभी एप्लीकेशन अपलोड कर दिया। उसके बाद हम लोगों को जाना है कंटेंट रेटिंग पे, यहाँ पे नीचे स्टोर लिसनिंग के नीचे कंटेंट रेटिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंटिन्यू दबाना होगा। तो ज्यादातर लोग कंटेंट रेटिंग में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जिसके कारण उनका मतलब एप्लीकेशन में एक रिजेक्ट हो जाता है। एंड रिजेक्शन का कारण भी मैं बोल देता हूँ कि कौन सा कारण आता है वहां पे, इनअप्रोप्रिएट एड पॉलिसी का वहां पे रिजेक्शन आता है, इनअप्रोप्रिएट एड पॉलिसी, तो वो किस लिए आता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना ईमेल फिलअप कर लेता हूँ संजय दी डेवलपर 2.0@gmail.com। एंड इसको ये अभी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। एंड अभी यहाँ पे देखिए मेरा जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का टाइप सिलेक्ट करना है,
अगर आप कोई भी स्टेटस एप्लीकेशन वीडियो एप्लीकेशन बनाते हैं तो एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अर्निंग एप्लीकेशन बनाते हैं तो यहाँ पे आप उसमें सिलेक्ट करने ये वाला कंटेंट एग्रीगेटर कंज्यूमर टूल। अगर कोई भी आप मतलब क्या बोलते हैं अर्निंग एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। एंड कोई भी मीडिया फाइल जैसे कि व्हाट्सएप मीडिया फाइल या फिर व्हाट्सएप स्टेटस एप्लीकेशन, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, तो उन सभी के लिए आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा एंटरटेनमेंट। एंड अभी जो मैं यूज करूंगा वो है एडुकेशनल वाला। एंड यहाँ पे आपको आंखें बंद करके अगर आपका एप्लीकेशन के अंदर कोई भी पोर्नोग्राफी, सेक्सुअलिटी या फिर न्यूडिटी नहीं है तो आप आंखें बंद करके सब में नो ऑप्शन पे चेक कर दीजिए और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सब में नो नो करना है, कहीं पे भी आपको यूज यस नहीं करना है। तो सब में मैं नो पे चेक कर दिया। अभी सेव क्वेश्चनरी हो गया। अभी कैलकुलेट रेटिंग देखिए, अभी ऑल एजेस आएगा। अगर ऑल एजेस नहीं आता है तो मतलब आपका एप्लीकेशन में वो वाला रिजेक्शन आएगा, इनएप्रोप्रिएट एड पॉलिसी। तो ये किस लिए आता है, अगर ऑल एजेस नहीं रहता तो हमने आपको जो है एडमॉक में एड्स को चाइल्ड रिस्ट्रिक्ट करना होगा, मतलब 13 एज के नीचे जो लोग देखेंगे उसके लिए एड सर्व नहीं होगा। तो ऐसा आपको सेटिंग करना होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है आप कॉन्टेंट रेटिंग ऑल एजेस, ऑल टाइम ऑल एजेस रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड हो गया, अब इसको अप्लाई रेडी। तो चलिए अभी हम लोग का कंटेंट रेटिंग का काम हो गया है। अभी चलिए प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी यहाँ पे मैं फ्री ही रखूंगा एप्लीकेशन। अवेलेबल कंट्रीज, तो यहाँ पे मैं सारा कंट्री में अवेलेबल कर देता हूँ। हो गया। एंड अभी देखिए प्राइमरी चाइल्ड डिटेक्टेड, तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है नो। कॉन्टेंट एड्स यहाँ पे यस, मेरे एप्लीकेशन में एड्स है। एंड अभी यहाँ पे नीचे और क्या क्या है, कॉन्टेंट गाइडलाइन इसको चेक कर देना है आप लोगों को, यूएस एक्सपोर्ट लॉस तो इसको भी आपको चेक कर देना है। एंड अभी सेव ड्राफ्ट, तो देखिए अभी यहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करने के बाद रेडी टू पब्लिश ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। एंड अभी यहाँ पे मैनेज रिलीज, एंड अभी यहाँ पे एडिट रिलीज प्रोडक्शन ट्रैक में। एंड अभी आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाके रिव्यू पे क्लिक करना है नीचे, उसके बाद रेडी रोल आउट, स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन। एंड अभी यहाँ पे कंफर्म, तो देखिए अभी पेंडिंग पब्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। एंड अभी टाइम देखिए अक्टूबर 31 है, आज 9:01 हुआ है। एंड कल सुबह मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। एंड मैं इसको मतलब आज ही रात को सारा एडिटिंग करके मैं मतलब डाल दूंगा ऑटोमेटिकली अपलोड में, तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा क्योंकि 9 से मेरा ऑफिस रहता है। एंड अभी यहाँ पे देखिए पेंडिंग पब्लिकेशन है, अभी मैं वीडियो को तब तक के लिए स्टॉप कर देता हूँ। एंड जब मेरा पब्लिश हो जाएगा तो उसका टाइम भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि कब तक टाइम लेता है मेरा एप्लीकेशन पब्लिश होने में, एंड उसके बाद मैं बाकी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अभी पॉज कर देता हूं मैं वीडियो को। दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अभी पब्लिश हो गया है। अभी वजह है सुबह का 6:30 के आसपास, आज 1 तारीख है, तो कल मैं इसको पब्लिश में डाला था, पेंडिंग पब्लिकेशन में था, तो रात को ये पब्लिश हो गया है। एंड सुबह मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो पब्लिश दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही तरीका है, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, आराम से मेरा एप्लीकेशन पब्लिश हो गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो जो जो प्रोसेस मैंने बताया है एंड जो जो चीज मैंने बोला है कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या फॉलो करना है, अगर आप लोग भी इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बिना कोई रिजेक्शन का एक टाइम में आराम से पब्लिश हो जाएगा अपना एप्लीकेशन। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अभी एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसको मैं ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑन गूगल प्ले,
देख सकते हैं प्ले स्टोर में आ गया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, कंटेंट एड्स भी है आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर 31 को अपडेटेड दिया है मैंने, एंड यही था पूरा चीज। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।